हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी साइंस चैनल। मैं प्रफुल्ल महाजन आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आपकी क्या होती है। हाँ, एक और बात, ये वीडियो आप किस किस के लिए यूजफुल होगा उसकी हम बात करते हैं। तो ये वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत उपयोगी होगा क्योंकि ये सब्जेक्ट उन्हें मटेरियल साइंस में रहता है। ठीक, साथ ही अगर आप देखें इसे इलेक्ट्रिकल माइनिंग या AMI के जो स्टूडेंट होते हैं इन्हें भी जनरल मैकेनिक्स इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल माइनिंग की बात कर रहा हूं मैं, और AMI स्टूडेंट्स के लिए मटेरियल टेक्नोलॉजी या मटेरियल साइंस का जो चैप्टर सेक्शन ए में जो एग्जामिनेशन होता है उनके लिए ये बहुत ही यूजफुल होता है। इस टॉपिक से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं और लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं नॉर्मलाइजिंग एंड अनीलिंग प्रोसेस में। तो अगर आपको अनीलिंग प्रोसेस समझनी हो तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर आप मेरे चैनल पे जाइए प्रफुल्ल महाजन चैनल पर, और वहां नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस बाय प्रफुल्ल महाजन सर्च कीजिए तो आपको बिल्कुल ये आपको वीडियो मिल जाएगा। इससे आपको काफी आसानी होगी इस दोनों को समझने में कि आपकी अनीलिंग प्रोसेस क्या होती है, साथ ही साथ आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती क्या है। ठीक है, और एक और बात, वीडियो को लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप सभी लोग इन चीजों का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से पालन कीजिए। स्टे होम, सेव लाइफ एंड बी सेफ, कीप डिस्टेंस। ठीक है, इससे आप अपना ही नहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में आप बहुत लोगों का फायदा कर देंगे, और एक तरह से ये कही जाए तो ये ही सच्ची देशभक्ति है आपकी एज आप इंडियन होने के नाते। ठीक है, देशभक्त अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे देशभक्त हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मिलिट्री में जाकर या और भी चीजों में जाकर ही देशभक्ति दिखा सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है कि इसमें आप इस सोशल डिस्टेंसिंग और अपने घर में रहकर आप इन चीजों को अच्छे बना सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, जो कि आज हमारा नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस यह एक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात किया था, काफी तरह की आपकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट की जाती है जिनमें से आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है, अनीलिंग प्रोसेस होती है, हार्डनिंग, क्वेंचिंग, कार्बोनाइजिंग, ये सारी आपकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है। ठीक है, अब भाई इनका थोड़ा सा अलग अलग फंक्शन होता है, सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, लेकिन इनका कूलिंग का अलग अलग आपस में तरीका अलग अलग होता है, कूलिंग का बोलिए या फिर टेम्परेचर देने का तरीका। ठीक है, तो इन तरीकों के आधार पे हमने इन्हें अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया है जिसे हम आज कह रहे हैं, जान रहे हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को। तो चलिए जानते हैं क्या होती है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को समझने से पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अनीलिंग प्रोसेस के बारे में कि भाई क्या अनीलिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था। तो देखिए, व्हेन हीट अप एनी मेटल लाइक 800 डिग्री सेल्सियस एंड कूल्ड अप इन अ फर्नेस ब्लास्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अनीलिंग। मतलब इसमें कहा है कि हम जब किसी मेटल को, मान लीजिए 800 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसे गर्म कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड उसके बाद में फर्नेस ब्लास्ट में ही, मतलब वात्या भट्टी में ही अगर उसे ठंडा कर रहे हैं, तो उस तरह की जो प्रोसेस होती है आपकी, ये कहलाती है आपकी अनीलिंग प्रोसेस। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, बट When we heat up metal and cool up in atmosphere out of the furnace, this process is called normalizing. मतलब इसमें कहा है second point में, बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब आप किसी metal को इसी तरह से गर्म करते हैं, heat provide करते हैं furnace blast में, and उसके बाद में उसे heat देने के बाद उसे बाहर निकाल के खुले एटमोस्फियर में, एयर के कॉन्टेक्ट में अगर आप ठंडा करते हैं, तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है आपकी, वो कहलाती है आपकी क्या, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, इफ यू हीट अप एनी आयरन रॉड एंड ड्रॉइंग और शो इन दिस आयरन रॉड क्रिएट वेरियस स्ट्रेसेस, फॉर रिलीविंग दैट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस वी यूज एनीलिंग नॉर्मलाइजिंग प्रोसेसेस। मतलब इसमें कहा है, इस सेंटेंस का अगर हम पूरा निचोड़ निकाले तो इसमें कहा है कि भाई मान लीजिए हम एक आयरन रॉड का टुकड़ा देते हैं और उसे हमने क्या काम किया कि ड्रॉइंग प्रोसेस या अदर बहुत सारी प्रोसेस से अगर होकर हम मशीनिंग प्रोसेस से होकर गुजारते हैं, तो उसमें होता है कि काफी सारे इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं। तो उसी तरह से जब अगर स्ट्रेसेस जनरेट हुए उसमें, तो वो स्ट्रेस उस मेटल के लिए अब अच्छे नहीं होते, वो उसकी प्रॉपर्टी को डिक्रीज कर देते हैं। जैसा वो आपका मेटल
मशीनिंग ऑपरेशन के पहले जितनी उतने कैपेसिटी थी, स्ट्रेंथ थी, उतनी अभी मशीनिंग ऑपरेशन के बाद में नहीं रहती। एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, मान लीजिए आप एज अ एक ऑफिस बॉय है, आपको आपके बॉस ने बहुत सारे दिन भर में काम करने दे दिया। अब उस काम को करने के लिए आपको, मान लीजिए आपको कोर्ट भी होके जाना है, कोर्ट के बाद में कलेक्ट्रेट भी होके जाना है, फिर बैंक भी होके जाना है, पोस्ट ऑफिस भी होके जाना है, ऐसे आपको दिन भर में काफी सारे अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस में होकर गुजरना पड़ रहा है। तो हुआ क्या कि भाई लास्ट में जब आप अपना काम कंप्लीट करके आएंगे तो आपका एक तरह से काफी सारा स्ट्रेस होगा आप में। कैसे कि भाई आप वहां जाकर के अलग अलग व्यक्तियों से मिलेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट से जाके मिलेंगे, कभी आपका समय लगेगा आपको किसी काम को करने में, कोई आपको टालमटोल करेगा। तो हम समझ सकते हैं कि इन सब चीजों की प्रोसेस होने से आप में काफी सारा स्ट्रेस जनरेट हुआ। ठीक है, अगर आप एक ही जगह कंफर्टेबली बैठ के काम करें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप दिन भर काफी सारे लोगों से मिल रहे हैं तो अलग अलग लोगों से मिलने से आप में उनके बिहेवियर से बोलिए या उनके वर्किंग से बोलिए, ये सबसे आप में काफी स्ट्रेस जनरेट होगा। तो आपकी कैपेसिटी, जब आप शुरू में सुबह मेरे पास आए थे एज अ बॉस के पास में अगर आप आए थे तो उतनी कैपेसिटी आपकी नहीं होगी जितनी की अभी आपकी थी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इस मेटल को भी कि हमने इतनी सारी मशीनिंग प्रोसेस से होके गुजारा उसे, तो अब मशीनिंग प्रोसेस से होने के बाद उसमें काफी सारे इंटरनल स्ट्रेस जनरेट हो गए जिससे कि अब पहले जैसे उसकी कैपेसिटी नहीं रही। अब हमें उसे फिर से उसी कैपेसिटी में लाना है तो क्या करना होगा, हम अपना एग्जांपल ले तो हमें रेस्ट की जरूरत होगी भाई, ताकि हम अपने आप को फिर से चार्ज अप कर सके। तो ठीक उसी तरीके से मेटल को रेस्ट के समय तौर पे आप ले सकते हैं, एनीलिंग प्रोसेस जो होती है हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू हम गुजारते हैं जिससे कि वो फिर से चार्ज अप होती है और उसमें दोबारा से एक अच्छी बेस्ट क्वालिटी इंप्रूव होती है। कुछ अपने हम खुद से भी अपने तरह से भी प्रॉपर्टी उसमें डेवलप करते हैं और उसमें जो पुरानी जो प्रॉपर्टी थी वो भी फिर उसके ग्रेन स्ट्रक्चर फाइन होने के बाद में अच्छी कैपेसिटी वाला वो मटेरियल बनकर तैयार होता है जो कि आगे चल के आपके रिक्वायर्ड वर्क को फुलफिल कर सके। ठीक है, आई होप कि इस एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझ आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस सिमिलर टू एनीलिंग प्रोसेस, हाँ बिल्कुल सही है कि जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है आपकी ये लगभग एनीलिंग प्रोसेस के समान ही होती है, लेकिन डिफरेंस हमने इन दोनों पॉइंट्स में समझ लिया। वो होता है आपके कूलिंग का, भाई कूलिंग प्रोसेसर इसमें जो होती है फर्नेस ब्लास्ट के अंदर ही होती है। एंड सेकंड अगर बात करें नॉर्मलाइजिंग की तो कूलिंग प्रोसेस जो होती है आपकी इसमें इसी बाहर निकाल के की जाती है। ठीक है, फर्नेस ब्लास्ट के अंदर नहीं की जा सकती, ये इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये आपके आयरन रॉड दिए गए हैं, ठीक है, और साथ ही में ये कुछ आपकी ये फर्नेस ब्लास्ट है जिसमें कि आप इस जो आपके जॉब है इसे आप हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके अंदर आप इसे रखते हैं, इसके बाद अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं और इस तरह से आपकी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस इस फर्नेस ब्लास्ट के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मलाइजिंग, जैसे हमने बेसिक कुछ एग्जांपल के जो दोनों में डिफरेंशिएट समझ लिया कि किस तरीके से नॉर्मलाइजिंग एंड एनीलिंग प्रोसेस में डिफरेंस होता है। आगे अगर हम बात करें, एवरेज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर ड्यूरिंग द कूलिंग इज लोअर इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू एनीलिंग रिजल्टिंग इन फाइनर ग्रेन इन नॉर्मलाइजिंग कंपेयर टू एनीलिंग। मतलब इस सेंटेंस में ओवरऑल ये बताने का प्रयास किया है कि भाई दोनों में हम टेम्परेचर उसे प्रोवाइड करते हैं, मतलब हीटअप करते हैं, कूलिंग करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एनीलिंग प्रोसेस की या नॉर्मलाइजिंग का, अगर हम देखें नॉर्मलाइजिंग को लेकर चलते कि नॉर्मलाइजिंग में जो होता यह है कि उसके जो ग्रेन जो होते हैं बहुत फाइन होते हैं किसके कंपेरिजन में, जो आपके एनीलिंग प्रोसेस होती है उसके कंपेरिजन में। एक एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा हम पेट्रोलियम जो होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन करते हैं, आप प्यूरिफिकेशन करते हैं तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं, आपने शायद पढ़ा भी होगा साइंस में पेट्रोल का प्रभाजी आसवन, है ना, उसी को हम समझ के चल सकते हैं कि आप जब आसवन करते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि आपको ग्रीस भी उसमें मिलता है, ग्रीसलिन भी अगर ले या फिर आप पेट्रोल भी उसमें आपको मिलता है, डीजल भी मिलता है और ऐसे आपके बाइक बहुत सारे बाइक प्रोडक्ट मिलते हैं जब आप उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो अगर आपका उसका प्योरेस्ट फॉर्म अगर लेते हैं तो आपका पेट्रोल डीजल होगा, है ना, और अगर आप वहां पर उसका जो थोड़ा सा इम्प्योर फॉर्म अगर बात करते हैं तो वो आप लेकर चल सकते हैं, जैसे आपका थोड़ा सा लो क्वालिटी का अगर जो आपको पेट्रोल मिल रहा है या आपको जो ग्रीस मिल रहा है
ये बहुत सारी चीजें आप लेकर सकते, एग्जाम्पल के थ्रू लेकर चल सकते हैं। तो प्यूरिफाई मतलब तो ये तो अंडरस्टूड है, जो बहुत अच्छे तरीके से शुद्ध हो। तो ये हम समझ सकते हैं इसमें कि जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है आपकी, ये जो एनिलिंग प्रोसेस के थ्रू ही सिमिलर होती है, लेकिन उसके जो ग्रेन साइज है वो ज्यादा रिफाइन होते हैं, ज्यादा फाइनर होते हैं कंपेयर टू एनिलिंग प्रोसेस से। देयरफॉर नॉर्मलाइजिंग स्टील आर हार्डर एंड स्ट्रॉन्ग देन एनिलिंग स्टील, एनिल्ड स्टील। मतलब अगर हम बात करते हैं हार्डनेस की, तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बाद में जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, जो मटेरियल को जब हम लेते हैं, तो उसकी जो हार्डनेस होती है वो एनिलिंग जो प्रोसेस की हुई प्रोडक्ट से होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। और साथ ही साथ वो स्ट्रॉन्ग भी काफी होते हैं, भाई जल्दी वो ब्रेक नहीं होंगे अगर हम उसके ऊपर कोई लोड इम्पैक्ट करते हैं, तो ठीक। तो इस तरह से हमने देखा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस और एनिलिंग प्रोसेस में कंपेयर है। The process of normalizing is often confused with a similar heat treatment process known as annealing process. अगर हमने देखा इन दोनों तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे काफी डिफरेंस समझ लिया है कि किस तरीके से, पहले तो हमने कहा था कि ये दोनों सिमिलर होती है, लेकिन अगर हमें उसे डिफरेंशिएट करना हो तो इन पॉइंट्स के बेसिस पे हमें बहुत अच्छे से हम उसमें आपस में अंतर को समझा सकते हैं कि काम एक समान होते हुए भी वो आपस में एक दूसरे से किस तरह से भिन्न है, ठीक है। आगे अगर देखिए, स्टील दैट इज अनिल्ड इज यूजुअली सॉफ्टर एंड वीकर देन स्टील दैट इज नॉर्मलाइज्ड। मतलब कि जो आपकी अनिल्ड की हुई जो स्टील होती है वो यूजुअली अगर हम देखें तो थोड़ी सॉफ्ट होती है और थोड़ी वीक भी होती है, उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती और सॉफ्टर उतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं होती। तो नॉर्मलाइजिंग करने के बाद में अगर हमें रिक्वायर्ड है, आवश्यकता है कि हमारा जो स्टील है, स्टील का एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि हम स्टील के ऊपर अगर नॉर्मलाइजिंग एनिलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, तो अगर आपको सॉफ्ट स्टील की जरूरत है तो आप बिल्कुल एनिलिंग कीजिए, और ज्यादा स्ट्रांग मटेरियल की जरूरत भी नहीं, आप बिना वजह बिल्कुल आपको नॉर्मलाइजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको जो स्टील चाहिए वो हार्ड भी चाहिए, साथ ही साथ उसमें स्ट्रांग कैपेसिटी बहुत अच्छी होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ अगर हम बात करें वो अच्छी होना चाहिए, तो उस केसेस में आप नॉर्मलाइजिंग अगर प्रोसेस अपनाते हैं तो वो ज्यादा बेस्ट होगी आपके लिए, ठीक है। अगर आगे देखिए हम नॉर्मलाइजिंग के लिए, द सैंपल इज हीट अबाउ E3 टू कंप्लीट ऑस्टेनाइजेशन। मतलब ये ग्राफ के थ्रू अगर आप देखिए तो समझ सकते हैं, ये आपका एक तरह से आयरन कार्बन डायग्राम हुए। आयरन कार्बन डायग्राम टेम्परेचर जो आपका होता है वो टेम्परेचर और कार्बन, इसका हम जो आपस में मिक्सअप करते हैं तो इसको एक आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर कार्बन डायग्राम भी कहते हैं इसे, आयरन कार्बन डायग्राम को, उसी का हमने एक बेसिक पार्ट लिया है जो आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के लिए। जैसे बोला है कि जो अब ये जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है, E3 जो आपका एक पॉइंट होता है इसके ऊपर ये कंप्लीट होती है, कंप्लीट ऑस्टेनाइजेशन, ठीक है। आयरन कार्बन के लिए मैं आपको एक अच्छा वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें कि आपको चीजें और बच्चे अच्छे तरीके से समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सैंपल इज देन एयर कूल्ड टू ऑब्टेन फाइन परलाइट, जैसे कि वही बात किया है जिसमें आपको फाइन परलाइट मिलते हैं। फाइन परलाइट हैज अ रीजनेबली गुड हार्डर एंड डक्टिलिटी। मतलब जो आपके जो फाइन परलाइट जो आपको मिलते हैं नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के थ्रू, फाइन परलाइट की अगर हम बात करें, आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि भाई जो आपके अलग अलग साइज सेपरेट साइज होते हैं, जैसे आप किसी चीज के ऊपर प्रोसेस अपनाते हैं, जैसे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाते हैं, तो उसके पहले जो होता है आपके जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं हम, तो आप देखिएगा कि जब आप मशीन के जो आपका मटेरियल था, मान लीजिए जो स्टील था, आपने उसके ऊपर काफी सारे मशीनिंग ऑपरेशन किए, तो उसके जो अंदर के जो ग्रेन थे, है ना, ग्रेन स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आपस में डिस्टर्ब हो गए थे, तो कुछ ऐसे एड़े टेड़े मेड़े काफी सारा गैप इस तरह से आपको दिखाई दे रहा था। ये हुआ कब? बिफोर हीट ट्रीटमेंट। लेकिन अगर आपने जब इधर अगर हम समझे उसको, तो जब आपने हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया उस प्रोडक्ट के ऊपर, तो आप देखते हैं कि जो आपकी उसकी ग्रेन साइज होती है वो प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में आपस में ट्रीटमेंट के बाद में आपको जमे हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ऐसे आपको एक तरह से समझ सकते हैं, पास पास में फाइन दिखेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में आपको वो नजर आएंगे, तो उससे हम समझ सकते हैं कि उसकी जब जितने अच्छे तरीके से वो जमे हुए रहते हैं, उसकी कैपेसिटी भी आपकी उसकी बहुत अच्छी तरह से होती है। तो ये हमने देखा कि ये आपकी ये आफ्टर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के बाद का जो आप ये डायग्राम समझ सकते हैं, और वो बिफोर
आपके बिफोर हीट ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होगी उसके पहले वाला का जो डायग्राम है वो हमने देखा कि इस तरह से हम डिफरेंस समझ सकते हैं। तो इसमें वही बात किया कि भाई जैसे देखिए इसका एकदम प्रॉपर जाल दिख रहा है आपको, तो ये आप जो स्ट्रक्चर देखते हैं माइक्रो लेवल पे अगर आप देखते हैं जो भी आपका मटेरियल होता है उसको माइक्रोस्कोप से अगर आप देखें तो उसमें आपको ऐसे कुछ रेशियोस दिख देंगे क्योंकि ये आप अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आपस में बॉन्ड्स के थ्रू बंधे हुए रहते हैं जितने भी मेटल्स होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। In hypoeutectile steel, normalizing is done 50 degree Celsius above the annealing temperature. ठीक है, मतलब इसमें बोला है जो hypoeutectile जो steel होती है अगर normalizing process की अगर बात करें तो ये 50 degree Celsius के above ही complete होती है। ठीक है, आगे बढ़े तो हम जानेंगे कि भाई अब ये सारी treatment process जो अपना रहे हैं तो इसका हमारा उद्देश्य क्या है, इस प्रोसेस को करने का उद्देश्य की बात करते ही एम ऑफ नॉर्मलाइजिंग की क्या एम है हमारा, तो जो ऑब्जेक्टिव एम ऑफ द हीट ट्रीटमेंट इज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ प्रायर प्रोसेस सच एज कास्टिंग, फोर्जिंग और रोलिंग इनटू वन व्हिच एनहांसेस थोनेस और इन सर्टेन प्रोडक्ट फ्रॉम मीट फाइनल मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड बाय। इसमें ओवरऑल सेंटेंस में बात किया है कि भाई अगर आप जो मान लीजिए कोई आपका स्टील है आप उसके ऊपर स्टील का एक टुकड़ा था, अब उस टुकड़े को आप डायरेक्ट अपने यूज में नहीं लाते, अब उसके ऊपर आपको जिस काम के लिए वो चाहिए तो उसे आप उस साइज में कन्वर्ट करते हैं, देन उसके बाद में आप उसे अपने यूज में लेकर आते हैं। मान लीजिए एक शाफ्ट रहते तो शाफ्ट पहले से भी उतनी प्रॉपर शेप एंड साइज में थोड़ी बनी हुई रहती है, आपको तो उसे अपने वर्क के अकॉर्डिंग ढालना होता है, तो उसके लिए आप उसके ऊपर लेथ मशीन के थ्रू बोलिए या ग्राइंडिंग के थ्रू बोलिए अलग अलग ऑपरेशन कंप्लीट करते हैं। तो उसी के बाद क्या कि इन ऑपरेशन जैसे हमने कास्टिंग किया, मटेरियल के ऊपर फोर्जिंग किया, रोलिंग किया या अलग अलग ऑपरेशन करने के बाद में उसमें जो उसके अंदर जो इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाते हैं तो इन्हीं इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करने के लिए और प्रॉपर मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसमें डेवलप करने के लिए जो कि हमें जरूरी होती है, इन सभी को प्राप्त करने के लिए हम क्या काम करते हैं, नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस या फिर आप कहिए एज अ हीट ट्रीटमेंट उसे प्रोवाइड करते हैं। अब हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं ये बात किया है कि कौन कौन से रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला बोला है डिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब इसके थ्रू हम जो होता है उसके जो नॉन यूनिफॉर्म, जैसे हमने आपको इसके पहले बताया था कि भाई इसके पहले वीडियो में अगर हम देखें तो नॉन यूनिफॉर्म इसके स्ट्रक्चर हो गए थे, ये मशीनिंग ऑपरेशन कास्टिंग वगैरह ये सब जो किया था, अब जैसे ही हमने उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट प्रोसेस किया तो उसके प्रॉपर शेप एंड साइज में स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो गए। तो इसी की बात किया उसने कि रिफाइनिंग द एग्जिस्टिंग नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर। सेकंड अगर हम बात करें रिलीविंग इंटरनल स्ट्रेसेस, मतलब हमने क्या काम किया कि उसके इंटरनल स्ट्रेसेस है भाई अंदर जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए थे उसको रिलीव किया, क्योंकि वो रहते हैं तो वो आपके लिए बहुत हानिकारक होते हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी वो आपका मटेरियल को बहुत जल्दी डैमेज कर देते हैं, तो इसलिए हमने उसे रिलीव कर दिया। रिफाइनिंग द ग्रेन साइज, भाई हमने जैसे कहा कि जैसे आप रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं आपके वेजिटेबल ऑयल्स के लिए सब्जियों में जो ऑयल्स यूज करते हैं, तो सेम वे में हम लेकर चल सकते हैं कि जो आपके नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस आप कंप्लीट करते हैं तो आपके जो स्ट्रक्चर है जो मटेरियल का स्ट्रक्चर है उसका जो ग्रेन साइज होता है वो काफी रिफाइन होकर मिलता है आपको, और इससे उस मटेरियल की प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरह से मिलती है जिससे कि आप अपने अलग अलग यूज में ले सकते हैं, इससे आपका मटेरियल बहुत अच्छी ड्यूरेबल भी होता है, काफी दिन तक चल सकता है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी हो सकती है। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि उसकी ग्रेन साइज, भाई आप देखिए उसकी जितनी अच्छी ग्रेन साइज होगी उसकी कैपेसिटी उतनी अच्छी होगी, ये आपके हर एक मेटल के लिए डिपेंड करता है। ठीक, इम्प्रूव द टफनेस, टफनेस उसकी इम्प्रूव होती है, जैसे कि हमने बात किया था कि अगर आपको उसका टफनेस हार्डनेस अच्छी चाहिए तो आपको उसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करनी होगी, तब जाकर के उसकी टफनेस आपको अच्छी मिलेगी। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज ऑफन स्मॉल व्हेन द एनीलिंग प्रोसेस बीइंग कंप्लीटेड थ्रू अ सॉर्टेड कूलिंग प्रोसेस ऑफ फर्नेस, मतलब उसमें कहा है कि जो आपकी एनीलिंग प्रोसेस होती है और नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है इन दोनों प्रोसेस को उसकी कूलिंग प्रोसेस के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फर्नेस में हम उसको किस तरीके से या फर्नेस के बाहर कर रहे हैं, कूलिंग किस तरह से कर रहे हैं, इस आधार पे हमें उसे आपस में
डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बार बार बहुत बार रिपीटेशन हुआ है, अब जाकर के आपको तो बिल्कुल भी आप दोनों में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, जो कि काफी लोगों को होता है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है और अनिलिंग प्रोसेस क्या होती है। कई बार होता है कि हम अनिलिंग में नॉर्मलाइजिंग और नॉर्मलाइजिंग में अनिलिंग का आंसर लिखकर आते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद शायद ही आपको दो आपस में कंफ्यूजन हो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम ऑफ ऑन नॉर्मलाइजिंग में हमने देखा उन्हीं पॉइंट का, अगर हम देखें तो आगे और एक और पॉइंट है कि भी नॉर्मलाइजिंग करने के बाद में जो आपका मटेरियल होता है उसकी मशीनेबिलिटी काफी अच्छी इंप्रूव हो जाती है। भाई आपकी उसके ऊपर मशीनेबिलिटी अगर इंप्रूव करनी है तो आपको नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अपनानी होती है। उससे मशीनेबिलिटी के आशय है कि उसके ऊपर नॉर्मलाइजिंग किए हुए, जैसे आप कास्टिंग करते हैं, कास्टिंग के बाद में उसकी जो सर्फेस होती है वो काफी हार्ड हो जाती है और उसके ऊपर आपके डिफरेंस मशीनिंग ऑपरेशन, जैसे आप उसके ऊपर टर्निंग करना चाहते हैं, ग्राइंडिंग करना चाहते हैं, थ्रेडिंग करना चाहते हैं, तो ये काफी टफ होता है क्योंकि टफ मटेरियल जब हार्ड हो जाता है तो उसके ऊपर जब आप टूल अप्लाई करते हैं जो मशीनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो टूल बार बार टूट जाता है। तो अगर आप जब नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के करने के बाद में मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं तो ये चीजें आपको बिल्कुल हेडेक नहीं करेगी, मतलब टूल आपका नहीं टूटेगा और आपका प्रॉपर वे में मशीनिंग ऑपरेशन हो सकेगा जिस तरह का आपको मशीनिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड है। ठीक, सेकंड अगर बात करें टू मॉडिफाई एंड रिफाइन कास्ट डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर्स, मतलब वही हमने जब बात किया कि उसके डेंड्राइट स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे आप देखिएगा इस डायग्राम के अगर थ्रू देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ आपको नॉर्मल उसके डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर दिखते हैं, फिर धीरे 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 जैसे आप हीट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते तो उसके स्ट्रक्चर में काफी इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो वही वो रिफाइन आपको डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर अगर हम बोले, जैसे हमने वो लास्ट वीडियो अभी इसके पहले दिखाया था आपको कि उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर या उसे हम कहिए डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर, उसकी में रिफाइनमेंट होता है उसमें। ठीक है, सेकेंड अगर बात करते अगला टू रिफाइन द ग्रेन्स, उसके ग्रेन रिफाइन होते ही हमने अभी पढ़ा था, टू मेक स्टील सुटेबल फॉर द फर्दर हीट ट्रीटमेंट्स, मतलब जो आपका स्टील होता है वो काफी अब सुटेबल बन जाता है। ठीक है, टू रिफाइन द इंटरनल स्ट्रेसेस, इस तरह से हमने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करके उसके इंटरनल स्ट्रेसेस को भी काफी रिफाइन किया है। ठीक, तो आई होप कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और आगे अगले वीडियो के अगले पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं कि जो आपके स्टेज नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस होती है उसके स्टेजेस क्या क्या होती है। हाँ, वीडियो को आगे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जो स्टेजेस होती है, ये तीन स्टेजेस होती है जो कि अगले पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से आप इस वीडियो के सेकंड पार्ट अगले पार्ट को देखिएगा। इसमें अगर हम देखें तो पहला आपने देखा कि कूलिंग इज यूजुअली कैरिड आउट इन शो सब्सिक्वेंट मशीनिंग और सरफेस फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द स्केल्स और डेकार्बोनाइज लेयर, मतलब इसमें बात की सेंटेंस में कि जब आप कास्टिंग वगैरह करते हैं तो उसके जो मटेरियल की जो सरफेस होती है वो काफी अनइवन हो जाती है या फिर उसके ऊपर कई तरह के स्क्रैचेस स्केल्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो जो डीकार्बोनाइज, जैसे हमने कहा एक वर्ड में डीकार्बोनाइज लेयर, तो उसे क्या होता है कि जब आप नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो आपकी डीकार्बोनाइज जो लेयर होती है, या यू कहें जो आपकी अनइवन जो लेयर होती है वो दूर हो जाती है। अब इसके बाद में आपको आपका प्रोडक्ट काफी रिफाइन मिलता है क्योंकि आपने देखा कि आपने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करने के बाद में उसके ग्रेन साइज काफी रिफाइन हो गए, प्यूरिफाई हो गए, तो उससे उसकी जो सरफेस भी होगी वो भी आपको काफी स्मूथ और फाइन दिखेगी। ठीक है, सेकेंड अगर बात करें, नॉर्मलाइजिंग इज अ टाइप ऑफ हीट ट्रीटमेंट एप्लीकेबल टू फेरस मेटल्स ओनली। हाँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो होती है ये एक तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है और साथ ही साथ ये सिर्फ फेरस मटेरियल के ऊपर ही अप्लाई की जा सकती है, जो कि काफी लोगों को नहीं पता होता। अब फेरस और नॉन फेरस, आपने मेरा वीडियो आप देखिएगा इंजीनियरिंग मटेरियल इंट्रो टू इंजीनियरिंग मटेरियल साइंस जो आपका वीडियो है, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से सारे के सारे क्लासिफिकेशन समझाए गए हैं, मेटल्स क्या होती है, कितने क्लास में उसको हम डिवाइड करते हैं, फेरस मटेरियल क्या होता है, नॉन फेरस मटेरियल क्या होता है। चलिए थोड़ा सा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। मटेरियल अगर आपको होते हैं मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका फेरस मेटल और एक होता है आपका नॉन फेरस मेटल। फेरस की अगर बात करें तो जिसमें आपका आयरन और कुछ मात्रा में बात कीजिए कार्बन, ये जब प्रेजेंट होता है तो उस तरह की जो मेटल आपकी कहलाती है वो फेरस मटेरियल कहलाती है। या ऐसे कहते हैं लोह धातु और अलोह धातु, तो लोह धातु भी ऑब्वियसली जिसमें लोहा प्रेजेंट होगा वो लोह धातु होगी और जिसमें लोहा प्रेजेंट नहीं होगा
वो होगी आपकी अलोह धातु। तो इसमें कहा है कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो होती है आपकी, जो प्रक्रिया होती है, सिर्फ लोह धातु के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं आप, अलोह धातु के ऊपर बिल्कुल अप्लाई नहीं होती। ठीक है, तो सेकंड देखिए अगले पॉइंट्स को। इन मेनी केसेस इट इज द लास्ट ट्रीटमेंट गिवन टू स्टील बिफोर इट इज पुट टू यूज। मतलब कि आप जब आपने स्टील, जैसे स्टील का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, उसको यूज में लाने से पहले जो काफी सारे ऑपरेशन करते हैं, तो उसका एकदम लास्ट ऑपरेशन जो होता है वो होता है आपका नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन, जो ट्रीटमेंट ऑपरेशन आपने बात किया। ठीक है, हमने पर्पस देख लिए, उसके ग्रेन स्ट्रक्चर काफी अच्छे से रिफाइन हो जाते हैं, आपको हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल मिलता है। ठीक है, तो अगले वीडियो के लिए प्लीज आप ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगले इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रोसेस जो होती है आपकी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस, वो किन किन स्टेजेस में कंप्लीट होती है। ये चीजें आपको हर एक जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि काफी सोच समझ कर और काफी मेहनत से ये वीडियो आपको एक साथ कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है मैंने, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो तीन स्टेजेस में आपकी जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। पहला होती है आपकी हीटिंग, देन सेकंड होती है आपकी होल्डिंग, एंड थर्ड होती है आपकी कूलिंग स्टेज। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं। पहले आपने हीट प्रोवाइड किया, फिर आपने उसको सोख दिया, मतलब होल्डिंग, मतलब कुछ टाइम के लिए वहां पे वो होल्ड किया, उसने जब हीट को सोख किया, अब उसके बाद हमने उसे कूलिंग किया है। तो ये जो आपका ब्लू वाला लाइन है, इंक्लाइन लाइन, ये बता रहा है आपको कूलिंग का, रेड वाला लाइन हीटिंग। ठीक है, चलिए थैंक यू, आगे देखते हैं।